मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन विद्यालय जेवल गाजीपुर से। मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज एक आई कक्षा आठ का बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, तो हम देखिए फार्मूला जानते हैं। यहाँ देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या। देखो एक फार्मूला हम बताए थे ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, कोई भी पूर्णांक है परिमेय है। जैसे कोई कह दे कि 5 और 7 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 6। कैसे आल? इसी सूत्र से, इससे देखो 1/2 x + y, तो 1/2 कर देंगे, 5 + 6 कर देंगे, 1/2 कर देंगे, 5 + 6 कर देंगे ना, अरे 5 + 7 कर देंगे, 12/2 6 आ जाएगा। तो उसी टाइप है कि √3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का सूत्र ही है ना, हैं? तो यहाँ लिखेंगे 1/2, x का मान क्या लिखेंगे, √3, और y का मान 4, ठीक है ना। 1/2 x का मान √3, y का मान 4। यहाँ देखो 1/2 √3 + 4 कितना होगा, नहीं देखो धन वाले में से ऋण को घटाते हैं, तो 4 में से 3 घटा दिए, 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 × 1 = 1/2, ये आंसर है आपका। √3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कितना होगी, 1 होगी। कोई दिक्कत? देखिए अगला प्रश्न है, 3 नंबर क्या है, देखो प्रश्न संख्या 3, ऋण एक और एक के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या। देखिए इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, ऋण एक और एक के बीच की परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का यही सूत्र होता है 1/2 x + y, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/2, x का मान कितना लिखोगे, ऋण एक, और y का मान 1, कटा देंगे 0 आएगा, तो गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऋण एक और एक के बीच की परिमेय संख्या कितना होगी, 0 होगी, ठीक है। ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत? देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 क्या है, देखो कि 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या। 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का सूत्र देख रहे हैं। तो 1/2 x का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 1/3, y का मान 1/2, यहाँ 1/3 धन, y का मान क्या है, 1/2, 3 × 2 का LCM कितना होगा, 6, 3 × 2 = 6, कटा दी, भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 2 बार, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 5, 5/12 होगा आंसर। 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या कितना होगी, 1/2 × 5/6, 5/12, कोई परेशानी? ऐसे करेंगे, फिर देखो हम लिख रहे हैं, इसको बताइए कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है,
ऋण 7/8 और 7/8, ऋण 7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या। ऋण 7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या देख रहे हैं, ऋण 7/8 होगा, वाई का मान 7/8, एलसीएम 8 होगा, 8 से 8 में भाग देंगे एक बार, -7 + 7, तो देखो इससे ख़त्म कर देंगे प्लस माइनस 0/8, ऊपर हो जाएगा 1 × 0/16, 0/16 0 होगा, आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, प्रश्न संख्या 6 क्या है देख लीजिए, 6 है ऋण 3/5 और 8/3, ऋण 3/5 और 8/3, देखो प्रश्न संख्या 6 क्या है, ऋण 3/5 और 8/3 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, तो इसको आप x मानोगे, इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का सूत्र यही है, तो यहाँ होगा 1/2, x का मान होगा ऋण 3/5 और y का मान होगा 8/3, 5 और 3 का लघुत्तम 15 होगा ना, 5 से भाग दिए, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 और 5 × 8 = 40। देखो धन में से ऋण घटता है तो 40 में से आप 9 घटाएंगे, कितना आएगा, 31 आएगा, कितना आएगा, 31/15 आएगा, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में 30, 1 × 31/30, तो हो जाएगा 31/30, 31/30 क्या होगा, ऋण 3/5 और 8/3 के बीच की परिमेय संख्या। इसी प्रकार आप लोग 7वां, 8वां, 9वां ये सब सवाल कर लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा हम सवाल सोच रहे हैं न बताएं, कुछ अपने से आप लोग कर लें, जो नहीं आएगा कल बताएंगे, शेष अगले वीडियो में।